गुड मॉर्निंग भाई। अब हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है बेटा, अभी मैंने तुम्हें बताया कि हाउ विल वी फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब उसी का यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग करेंगे। देखो बेटा, क्या क्या स्टेप फॉलो होंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, राइट द स्केल्टन इक्वेशन। राइट द स्केल्टन इक्वेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। राइट द स्केल्टन इक्वेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सेकेंड क्या होगा बेटा, इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर। अभी मैंने तुम्हें बताया था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट अबाउ इट्स सिंबल। अबाउ इट्स सिंबल, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। किस एटम का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, हम देखेंगे टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, देन क्रॉस मल्टीप्लाई इट। फिर उसको क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के सभी को बैलेंस कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे बेटा, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर। बाय एडिंग वाटर यूजिंग क्या यूज कर लेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। यूजिंग हीट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन अगर हमारे पास आयोनिक रिएक्शन हो, अगर हमारे पास आयोनिक रिएक्शन है और कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। मीडियम कैसा है, एसिडिक। ठीक है बेटा, तो क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। By adding water molecule having deficiency in oxygen, and then balance hydrogen atom by adding H positive ions। ठीक है, अगर acidic medium है तो। लेकिन अगर बेटा basic medium है तो बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करोगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। जिस साइड हाइड्रोजन की कमी है उस साइड क्या डालोगे, वाटर। और जितने तुम वाटर डालोगे उस साइड, उससे अपोजिट साइड तुम उतने ही क्या डालोगे, OH-, उतने ही क्या डालोगे, OH-। क्लियर हुआ ये, देखो अब एग्जाम्पल से करवाते हैं। जैसे मैंने तुम्हें कहा बैलेंस द इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, क्या रिएक्शन है, Mg प्लस HNO3 गिव्स अस MgNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O। स्केल्टन इक्वेशन लिख ली। अब देखना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन, तो सभी पे ऑक्सीडेशन नंबर डाल लेंगे बेटा। एलिमेंटल फॉर्म में जीरो,
हाइड्रोजन पे प्लस वन, ऑक्सीजन पे माइनस टू, तो ये कितना आएगा प्लस फाइव। या एनओ थ्री पे माइनस वन कितने हैं दो, तो ये कितना आ जाएगा प्लस टू। या ऑक्सीजन पे माइनस टू तो हाइड्रोजन पे प्लस वन, ऑक्सीजन पे माइनस टू तो ये प्लस वन, या ऑक्सीजन पे माइनस टू तो ये प्लस फाइव। हर एटम की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली। अब मैग्नीशियम देखो, यहाँ क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय टू। यहाँ देखो बेटा प्लस फाइव से प्लस वन, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है बेटा डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय फोर। लेकिन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो एटम एक ही है, राइट हैंड साइड एटम कितने हैं दो, तो क्या कर दोगे फोर इंटू टू, तो कितने का चेंज एट का। यहाँ दो एटम है तो यहाँ पे भी क्या कर दोगे दो एटम। क्लियर हुआ ना ये, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय टू, दो का चेंज, और यहाँ पे कितने का चेंज हो गया बेटा आठ का चेंज। ओके थर्ड स्टेप मैंने क्या बताया था कि हम इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो टू वन जा टू, टू फोर जा एट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया फोर एम जी प्लस टू एच एन ओ थ्री गिव्स अस एम जी एन ओ थ्री होल ट्वाइस प्लस एन टू ओ प्लस एच टू ओ। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ मैग्नीशियम कितने है फोर, तो यहाँ क्या कर दोगे फोर। नाइट्रोजन देखो बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन दो, यहाँ देखो एनओ थ्री होल ट्वाइस दो, चार दूनी आठ और दो दस, तो यहाँ क्या कर दोगे दस कर दोगे। आप किसको बैलेंस करोगे, सभी एटम बैलेंस हो गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देन यू विल बैलेंस ऑक्सीजन एटम। देखो यहाँ पे टेन थ्री सा थर्टी, यहाँ देखो तीन दूनी छः चौक चौबीस और एक पच्चीस, और ये कितना हो गया छब्बीस। अब बेटा एक बार हाइड्रोजन देख लो, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है टेन, यहाँ कितने हैं बेटा टू, तो यहाँ क्या कर दो फाइव से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ थर्टी थे, ये कितने हो गए थ्री टू सा सिक्स ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव और फाइव थर्टी, सभी आइटम्स इक्वल हो गए, तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई बैलेंस हो गई। कौन से मेथड से बैलेंस किए हमने, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। कौन से नंबर से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। देखो क्या क्या स्टेप फॉलो किए, सबसे पहले हमने स्केल्टन इक्वेशन लिखी, स्केल्टन इक्वेशन लिखने के बाद हमने क्या किया हर एटम को ऑक्सीडेशन नंबर दिया। ऑक्सीडेशन नंबर देने के बाद हमने देखा किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, ये करने के बाद हमने उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सभी एटम्स को बैलेंस किया, फिर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, लास्ट में हमने क्या किया हाइड्रोजन को बैलेंस किया। ओके बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर मैं तुम्हें कोई आयोनिक रिएक्शन को दूँ और मैं कहूँ इसको बैलेंस करूँ, जैसे मैंने कहा Fe2 प्लस Cr2O72 नेगेटिव गिव्स अस Fe3 प्लस Cr3 प्लस H2O, ठीक, और मैंने कहा ये कैसा मीडियम है एसिडिक मीडियम, इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, ठीक है एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो ये हमने इसकी स्केल्टन इक्वेशन लिख ली, अब हम सभी एटम्स को उसका ऑक्सीडेशन नंबर देंगे, तो आयरन पे कितना आएगा प्लस टू, ऑक्सीजन माइनस टू, यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू सेवन इज इक्वल टू माइनस टू, तो 2x will be 12, x कितना आएगा बेटा प्लस सिक्स। यहाँ आयरन पे कितना है प्लस थ्री, क्रोमियम पे प्लस थ्री, ऑक्सीजन का माइनस टू, हाइड्रोजन प्लस वन। तो यहाँ देखो बेटा आयरन प्लस टू से प्लस थ्री, तो हम क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय वन। यहाँ पे क्या हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय वन, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ देखो बेटा क्रोमियम प्लस सिक्स से प्लस थ्री, तो क्या हुआ है डिक्रीज, तो हम क्या कहेंगे डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय थ्री। लेकिन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड एटम कितने हैं दो, तो कितने का चेंज हुआ छः का। यहाँ दो एटम है तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा दो से मल्टीप्लाई, क्योंकि एटम क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा यहाँ से क्या हुआ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ एक से, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ डिक्रीज हुआ है किससे छः से, तो यहाँ पे एक का चेंज यहाँ पे छः का चेंज। अब हम क्या करेंगे देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट, हम क्या करेंगे बेटा
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 6Fe2+ प्लस Cr2O7 2, नेगेटिव चाहे 1 को लिखो या मत लिखो, गिव्स अस Fe3+ 2Cr3+ H2O। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सभी एटम्स को बैलेंस करेंगे तो यहाँ आयरन कितने हैं 6, यहाँ कितना है 1, 6 से मल्टीप्लाई, क्रोमियम 2, यहाँ पे भी कितने हैं 2, बैलेंस। अब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बेटा, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 7, यहाँ कितने हैं 1, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। मीडियम एसिडिक है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करते हैं, जिस साइड हाइड्रोजन की कमी है उस साइड क्या डाल देते हैं H पॉजिटिव, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 14, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ क्या डाल दोगे 14 H पॉजिटिव, तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई बैलेंस हो गई, क्या हो गई बैलेंस। ओके चलो एक बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग और करवा देती हूँ। देखो मैंने कहा क्रोमियम ट्राईहाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद IO3- गिव्स अस I- प्लस Cr+ H2, ठीक है, बैलेंस इट बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन बेसिक मीडियम, कैसा मीडियम दे दिया बेसिक मीडियम, ठीक है। तो सबसे पहले स्केल्टन इक्वेशन लिख ली, अब सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है बेटा, यहाँ OH पे -1 कितने OH है 3, तो क्रोमियम पे कितना आएगा +3, आयोडीन पे X कितने ऑक्सीजन 3-1 तो कितना आएगा +5, यहाँ -1 क्रोमियम अकेला 0, ऑक्सीजन पे -2 +1, तो यहाँ क्रोमियम देखो बेटा क्रोमियम जो है +3 से 0 हो गया, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 3, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 3, आयोडीन +5 से -1, तो यहाँ पे क्या हुआ +5 से -1, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ डिक्रीज बाय 3, यहाँ पे कितने से बेटा +5 से -1, तो यहाँ कितने का चेंज आया 6 का चेंज आया, यहाँ पे 3 का चेंज, यहाँ पे 6 का चेंज, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ओके चेंज निकाल लिया। अब हम इसको क्या कर देंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला 2CrOH3+ IO3- gives us I- + Cr+ H2O। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सभी एटम्स को बैलेंस करेंगे बेटा, यहाँ क्रोमियम 2 यहाँ 1 तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ आयोडीन 1 यहाँ पे भी 1 है, ओके अब क्या करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ देखो 3 2 6 7 8 9 ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ क्या कर दो 9 से मल्टीप्लाई, मीडियम बेसिक है बेटा 9 से मल्टीप्लाई। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ देखो 9 2 18, यहाँ 3 2 6, देखो 9 2 18, 3 2 6, 18 में से 6 गए 12, कितने हाइड्रोजन की कमी इधर 12 की, तो उतने ही यहाँ पे क्या डालेंगे H2O, और जितने हम H2O डालेंगे उतने ही क्या डालेंगे OH-, जितने H2O डालेंगे उतने ही क्या डालेंगे OH-। देखो फिर से बता रही हूँ बेटा, मीडियम बेसिक था, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, अब यहाँ हाइड्रोजन कितने थे 18, यहाँ हाइड्रोजन कितने थे 6, तो यहाँ 12 हाइड्रोजन की कमी थी, तो उस हाइड्रोजन की कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे क्या डालेंगे 12 H2O, अब जितने H2O डालेंगे उतने क्या डालेंगे OH-, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई, ऑक्सीजन देख लो बेटा 3 2 6 7 8 9 9 और 12 कितने हो गए, देखो 3 2 6 7 8 9 9 और 12 21, यहाँ देखो ऑक्सीजन 12 और 9 21, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन देख लो बेटा 3 2 6 12 2 24 24 और 6 30 हाइड्रोजन, यहाँ देखो 9 2 18 + 12 कितना हो गया 30, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया बैलेंस हो गया, तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई बैलेंस हो गई बेटा, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग हमने की ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बेटा, बहुत सिंपल है, सबसे इजी यही है, सबसे पहले तुम क्या करो स्केल्टन इक्वेशन लिख लो, हर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया फिर देखो किस में इंक्रीज हुआ किस में डिक्रीज हुआ, ओके फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सभी को बैलेंस कर दो, लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दो, मीडियम एसिडिक है
तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एच पॉजिटिव, बेसिक है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर, जितने वाटर डालोगे उतने क्या डालोगे, ओ एच माइनस। क्लियर हो गया, ये समझ आ गया? ओके, थैंक यू।